जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज की सैनिक जानकारी के अंतर्गत हम जानकारी लेंगे रक्षा मंत्री द्वारा किया गया बड़ा ऐलान, जिससे सीधा ही सैनिकों को होगा फायदा। इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, नहीं तो जानकारी से वंचित रह जाएंगे। अब नहीं होगा दुश्मन का मुकाबला करते सैनिकों की अलग अलग रंग की वर्दी में अंतर। राजनाथ सिंह ने किया ये बड़ा ऐलान, यानी एक ही जगह पर मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज का अलाउंस अलग अलग है, तो वो एक ही किया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा, भारतीय सेना का रिस्क और हार्डशिप अलाउंस रिवाइज किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय सेना और CAPF यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज के बीच वह अंतर भी खत्म हो जाएगा जो पुलवामा अटैक के बाद जारी नोटिफिकेशन के बाद हुआ था। अब दोनों का एक ही अलाउंस हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया कि अब भारतीय सेना का रिस्क और हार्डशिप अलाउंस रिवाइज किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय सेना और CAPF इंडियन आर्मी एंड CAPF के बीच वह अंतर दूर हो जाएगा जो पुलवामा अटैक के बाद गृह मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के बाद पैदा हो गया था। अब CAPF और भारतीय सेना को समान खतरनाक परिस्थितियों में काम करने का समान भत्ता मिलेगा। जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके अंदर CAPF के जवानों को ज़्यादा अलाउंस दिया गया और वहीं पर सेना के जवानों को कम अलाउंस मिलता था, इसलिए अब दोनों को ही बराबर अलाउंस दिया जाएगा। CAPF का भत्ता बढ़ाने पर भारतीय सैनिकों ने किया था सवाल। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब मैं गृह मंत्री था तब CAPF का भत्ता बढ़ाया गया था और आज मैं सेना का रिस्क और हार्डशिप भत्ता बढ़ाने का भी ऐलान करता हूँ। जब पुलवामा अटैक के बाद CAPF का भत्ता बढ़ाया गया उसके बाद से ही भारतीय सेना के सैनिक सवाल कर रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात सैनिक जब दुश्मन का मुकाबला करता है या कश्मीर घाटी में आतंकियों से मुठभेड़ होती है तो क्या वर्दी के रंग के हिसाब से खतरा तय होता है? क्या अलग अलग रंग की वर्दी में खतरे का स्तर अलग अलग है? दरअसल पुलवामा अटैक के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन ने BSF सहित सभी CAPF जवानों और भारतीय सेना के जवानों के बीच रिस्क और हार्डशिप की कैटेगरी बदल दी। भारतीय सेना के लिए जो जगह रिस्क और हार्डशिप में कम रिस्क वाली कैटेगरी में थे वहीं CAPF के लिए वह ज़्यादा रिस्क वाली कैटेगरी में आ गए। पुलवामा अटैक के बाद जारी हुआ था नोटिफिकेशन। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद 22 फरवरी 2019 को गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें CAPF जवानों और अधिकारियों के लिए रिस्क और हार्डशिप की कैटेगरी बदली गई। जैसे रजौरी सेक्टर पहले R1H2 कैटेगरी में आता था तो उसे बदलकर R1H1 कैटेगरी में कर दिया गया जो हार्डशिप के लिहाज से ज़्यादा ऊपर की कैटेगरी है। इससे वहाँ तैनात CAPF के जवानों और अधिकारियों को मिलने वाला अलाउंस भी कैटेगरी के हिसाब से बढ़ गया जबकि भारतीय सेना के लिए वह पुरानी कैटेगरी में ही रहा। R1H2 में अलाउंस जवानों के लिए ₹9,700 और ऑफिसर्स के लिए ₹16,900 है। R1H1 कैटेगरी में अलाउंस जवानों के लिए ₹17,300 और ऑफिसर्स के लिए ₹25,000 है। अब राजनाथ सिंह के ऐलान के बाद भारतीय सेना के सैनिकों को भी बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। दोस्तों, जो रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है वह स्वागत योग्य है, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा और एक जवान का ₹7,600 अलाउंस बढ़ेगा जिससे उसका मनोबल भी बढ़ेगा और देश सेवा भी अच्छी तरह करेगा। दोस्तों, आपको बढ़े हुए अलाउंस के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सैनिक जानकारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। एक बार फिर मिलेंगे नई सैनिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।